गुड इवनिंग, मैं रवि रंजन, राज रजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। राज व्यवस्था के आज 15 महत्वपूर्ण सवालों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखेंगे टॉपिक का नाम है संविधान के प्रस्तावना। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए आज हम लोग संविधान के प्रस्तावना के पार्ट वन में महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करते हैं। तो आइए पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे पहला सवाल है, प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व निम्न में किस आंदोलन से प्रभावित है। देखेंगे संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और वैश्विक बंधुत्व का वर्णन किया गया है, कहां से लिया गया है। ऑप्शन ए है रूसी क्रांति, ऑप्शन बी है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी क्रांति और ऑप्शन डी है अमेरिकी क्रांति। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 से लेकर 1799 के बीच हुआ था, इसका नारा ही था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो संविधान के प्रस्तावना में जो यह शब्द वर्णित है फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। देखेंगे रूसी क्रांति जो 1917 में हुआ था, रूसी क्रांति से भारत के संविधान के प्रस्तावना में समान न्याय यानी उसके बाद है आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। देखेंगे समान न्याय या इसी को बोलते हैं सामाजिक न्याय, इसी को बोलते हैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। तो देखेंगे रूसी क्रांति जो था उसका नारा था सामाजिक न्याय यानी समान न्याय, सबको न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, रूसी क्रांति। तो आइए आज के दूसरे सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का दूसरा सवाल है, उद्देशिका में वर्णित हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द निम्न में किसके उद्देशिका में वर्णित शब्द के समरूप है। ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया है। हम भारत के लोग जो भारत के संविधान के प्रस्तावना का शुरुआत होता है, हम भारत के लोग भारत को, यह सब संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से प्रभावित है। देखेंगे उद्देशिका जिसे प्रस्तावना कहते हैं, यह जो है अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना जो है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा यह सब जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। रूस से संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे तीन नंबर सवाल कहता है, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की। सर्वोच्च न्यायालय किस वाद में, किस केस में संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचे के विषय में जो है अवधारणा व्यक्त की। ऑप्शन ए है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी है गोलकनाथ, देखेंगे यहां पर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी है बेरुबाड़ी बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी है चंपाकन दुराजीन मामला। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। देखेंगे 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा को प्रस्तुत किया और देखेंगे यह अब तक का सबसे बड़ा खंडपीठ था। जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज मामला था, यह 13 न्यायाधीशों का खंडपीठ था, जो अब तक का सबसे बड़ा बेंच था, खंडपीठ था। देखेंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामला 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद
जो विधायिका है इसे सिर्फ संविधान में कानून बनाने का अधिकार है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। देखेंगे ऑप्शन सी है बेरुबारी बनाम भारत संघ मामला। देखेंगे 1960 में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, देखेंगे चंपाकम दुराइजिन मामला 1950 का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो मद्रास में जो सांप्रदायिक पंचायत था उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, और इसी के बाद चंपाकम दुराइजिन मामला में निर्णय आने के बाद संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। आइए आज के चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे इस स्वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। देखेंगे ध्यान रखेंगे ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इन सारे सवाल पर ध्यान रखेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। इस स्वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ऑप्शन ए है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बेरुबारी बनाम भारत संघ और चंपाकम दुराइजिन मामले। तो देखेंगे 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसी मामले में बेसिक स्ट्रक्चर का जो है अवधारणा प्रस्तुत किया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को सिर्फ कानून बनाने का अधिकार है, संशोधन करने का नहीं। बेरुबारी बनाम भारत संघ मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो आपका यही सवाल पूछे जा रहे हैं तो आंसर हो जाएगा सी बेरुबारी बनाम भारत संघ मामला जो 1960 था। चंपाकम दुराइजिन मामला 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मद्रास में जो सांप्रदायिक पंचायत चले आ रहे थे तो समाप्त कर दिया गया था, और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़ा गया, जिसमें कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में ओबीसी को पिछड़े वर्ग को जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें नामांकन में आरक्षण दिया गया, आर्टिकल 15 का खंड 4। आइए आज के 15 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 15 नंबर आज का पांचवा नंबर सवाल है प्रस्तावना नागरिकों को निम्न में कौन स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए है विचार की, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी है विश्वास, ऑप्शन डी है धर्म और उपासना। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे संविधान के प्रस्तावना में नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। ऑप्शन ए है केवल बी, ऑप्शन बी है ए एंड बी, ऑप्शन सी है ए बी एंड सी और ऑप्शन डी है सभी। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सभी। ध्यान देंगे संविधान के प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, देखेंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कौन कौन है विचार की, अभिव्यक्ति, विचार हो गया है, विश्वास और धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है और 2 प्रकार की समानता, वह कौन कौन है तो वह है अवसर की, अवसर और प्रतिष्ठा। तो देखेंगे संविधान के प्रस्तावना में नागरिकों को 5 प्रकार की
स्वतंत्रता, तीन प्रकार की न्याय और दो प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। आइए आज के छठे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे छठा नंबर सवाल है, प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का सिद्धांत निम्न में किस देश से लिया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के सिद्धांत को निम्न में से किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा रूस। देखेंगे रूसी क्रांति 1917 का नारा ही था सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यह रूस से लिया गया है। और देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति, इसका नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यह फ्रांस से लिया गया है। देखेंगे संविधान में अमेरिका से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। देखेंगे आयरलैंड, से DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से जुड़े लोग होते हैं, यह भी व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। तो आइए आज के सातवें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे सातवां नंबर सवाल कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में किसका प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? देखेंगे सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता और सभी। तो आप लोग भी बताएंगे किसका संविधान के प्रस्तावना में वर्णन नहीं है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक स्वतंत्रता। देखेंगे आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, आर्थिक न्याय की वर्णन है। ओके, तो आइए आज के आठवें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आठवें नंबर सवाल कहता है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी, ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता और ऑप्शन डी है प्रभुत्व संपन्न। अब देखेंगे कूट है केवल ए एंड बी, बी नंबर ऑप्शन है ए बी एंड सी, ऑप्शन सी है ए बी एंड डी और ऑप्शन डी है सभी। तो आप लोग बताएंगे संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन शब्द जोड़े गए। देखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष जिसे सेकुलर कहा जाता है और राष्ट्र की एकता था इसमें अखंडता शब्द जोड़ा गया जिसे इंटीग्रिटी कहते हैं। तो देखेंगे तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। आंसर होगा ए बी एंड सी। देखेंगे यहाँ पर बी में दिया हुआ है ए बी एंड सी, आंसर हो जाएगा बी। देखेंगे प्रभुत्व संपन्न जो पहले से था, ध्यान रखेंगे संविधान के प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में अब तक सिर्फ और सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है और उसमें तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आइए आज के 9 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे उद्देशिका निम्न में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है रूस। आंसर हो जाएगा प्रस्तावना यानी उद्देशिका अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य उससे लिया गया है। आइए आज के 10वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 10वां नंबर सवाल कहता है,
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में कौन प्रस्तुत किया था? देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए देखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप लोग भी बताएंगे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। देखेंगे डेट पूछा गया है कई बार जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिसे स्वीकार कब किया गया देखेंगे ये भी पूछता है। तो देखेंगे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। देखेंगे ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी और प्रोटेम स्पीकर थे। देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति जिसे मसौदा समिति भी कहा जाता है, और देखेंगे ध्यान रखेंगे प्रस्तावना संविधान में जो प्रारूप समिति था उसे मसौदा समिति भी बोला जाता था, और उसे पांडुलेखन समिति भी बोला जाता था, और अंग्रेजी में उसे क्या बोला जाता था, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे ऑप्शन है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया। देखेंगे ऑप्शन ए है 13 जनवरी 1946, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 22 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1947। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देशिका को स्वीकार किया गया। देखेंगे 22 जुलाई 1947 को ध्वज को नेशनल फ्लैग के रूप में स्वीकार किया गया। आइए आज के 12 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं। ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 5 बार, ऑप्शन सी है 11 बार और ऑप्शन डी है 112 बार। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के संविधान के प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 1 बार संशोधन किए गए और उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं, यानी 13 नंबर सवाल। देखेंगे 13 नंबर सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। देखेंगे ऑप्शन ए है 3-5-2-1, ऑप्शन बी है 1-3-5-2, ऑप्शन सी है 2-5-3-1, देखेंगे ऑप्शन डी है 5-2-1-3। ऐसे आपको क्रम में पूछ रहा है, यानी संविधान के प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है। तो आपको हम पिछले सवाल में बता रहे थे संविधान के प्रस्तावना में नागरिकों के लिए 3 प्रकार के न्याय हैं, स्वतंत्रता बता रहे थे यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। देखेंगे ऑप्शन ए पर ध्यान रखें, 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, समानता 2 प्रकार की बता रहे थे, अवसर की और प्रतिष्ठा की, भ्रातृत्व जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3-5-2-1 यानी ऑप्शन ए। आइए आज के 14 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 14 नंबर सवाल है, संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन देखेंगे
ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी है प्रस्तावना। तो देखेंगे बहुत सारे लोग जो है आंसर लगा रहे होंगे ए मौलिक अधिकार, लेकिन नहीं मौलिक अधिकार नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी प्रस्तावना। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एम हिदायत तुला ने प्रस्तावना के विशेषता को ध्यान में देखते हुए उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में रहता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को आत्मा और हृदय कहा था, हार्ट एंड सोल कहा था, तब हो जाता है आंसर मौलिक अधिकार। देखेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था उसमें भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 को, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, उसे आत्मा और हृदय की संज्ञा दी थी। चलिए आइए अगले सवाल को देखते हैं। संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिया, निम्न कथन किसकी है। देखेंगे इस कथन को ध्यान में रखेंगे, यह कथन संविधान के प्रस्तावना के संबंध में किसने कहा था। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप लोग ही बताएंगे। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष कश्यप और ऑप्शन डी है हिदायतुल्ला, पूरा नाम है मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो आप लोग भी बताएंगे किसने कहा था उद्देशिका के संबंध में, संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिया है, यह कथन किसने कहा था। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सुभाष कश्यप, जिसे जो भारत के जाने माने संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ही यह बात प्रस्तावना के संबंध में कहा था। आइए आज के अंतिम सवाल को देखते हैं, 16 नंबर सवाल है। प्रस्तावना के पार्ट वन में हम लोग 16 सवाल को लिए हैं, तो आज का लास्ट सवाल है निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी है प्रभुत्ता संपन्न और ऑप्शन डी है लोक कल्याण। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा लोक कल्याण का वर्णन संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। तो इस तरह से आज हम लोग प्रस्तावना के यानी उद्देशिका के पार्ट वन में 16 सवाल को देखे, फिर हम लोग अगले पार्ट में जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे उसे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।